हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हमें ब्यूटीफुल सॉक्स बनाएंगे दो कलर से। तो इसका पंजा मैंने ग्रीन कलर से बनाया है और ये पिंक कलर से। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, इस पे मैंने ये 48 फंदे डाल के इसको यहाँ तक बना लिया है। 48 फंदे डालने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है। एक दो तीन, तीन धनिया बना ली मैंने ये देखिए, और चौथी फिर मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 20 फंदे बना लिए हैं। अब ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम, तो किस तरह से बनाएंगे देखिए, इस वाले कलर से। ये मैं आपको बताऊंगी। अब 20 फंदे बना लीजिए आप, पहले इस वाले कलर से धागा पीछे कीजिए और एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। अब देखिए किस तरह से एक फंदा हमने ग्रीन कलर से बना लिया, धागा आगे करके यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। अब 6 फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच 6, फिर एक जाली बनाएंगे और एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा गोला लगाएंगे। फ्रेंड इस कलर के आप दो गोले बना लीजिए, एक हम इस साइड लगाएंगे और एक इस साइड। तो इस साइड वाला एक गोला है, तो दूसरी साइड आप छोटा सा गोला निकाल के यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड, दूसरा गोला मैंने छोटा बनाया है, तो अब हम यहाँ पे ए वाला गोला लगाएंगे और इन सभी फंदों को हम अब उल्टा बनाएंगे। यहाँ से इधर वाली साइड हम उल्टी बनाएंगे और इधर वाली सीधी बनाएंगे, बीच वाली सीधी बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे, ये वाला जो हमने जोड़ा है इसको हम पीछे करेंगे और बाकी सभी फंदों को इस तरह से उल्टा बना देंगे। उल्टी सिलाई फिर हम पूरी उल्टी बनाएंगे दोनों कलरों से। ये देखिए अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए, तो इस कलर से इधर वाले हम पूरे इसी कलर से बनाएंगे। यहाँ तक फ्रेंड हमने इस वाले कलर से बनाया, आगे वाले हम ये वाला धागा ऐसे क्रॉस करेंगे इधर को और इस वाले कलर से बाकी ग्रीन वाले इस वाले कलर से बना देंगे। दो फंदे बढ़ गए हमारे ग्रीन कलर में। देखिए जाली वाला भी इस तरह से बनाएंगे, ये आगे वाला भी। अब इस वाले धागे को यहाँ क्रॉस करेंगे और इस वाले कलर से पूरी सिलाई इस तरह से उल्टी बना देंगे, फिर सीधी सिलाई फिर बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, सीधी साइड पे आ गए हम, फिर से हम धागा पीछे करेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई बना ली। अब एक फंदा हम हमेशा यहाँ पे पिछली साइड से यहाँ क्रॉस करेंगे, एक फंदा हमेशा सीधा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे और बाकी सभी फंदों को सीधा बना देंगे। इधर वाले फंदे हम उल्टे बनाएंगे और सेंटर वाले हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा भी हमने सीधा बनाया, फिर जाली बनाई और एक फंदा सीधा बनाया। अब हम फिर से धागा इधर करेंगे और धागा आगे लेके आएंगे और पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। उल्टी सिलाई फिर से हमने दोनों कलरों से बनानी है। बीच वाली हमने ग्रीन ही बनानी है और साइड वाली हमने पिंक बनानी है। तो इस तरह से आप बना लीजिए ये वाली सिलाई और उल्टी, फिर सीधी साइड एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाएंगे हम। अब फिर से देखिए फ्रेंड किस तरह से बनाएंगे। ये वाला धागा पीछे करेंगे, ए फंदा हम हमेशा हमने 20 ही फंदे इस वाले कलर से बनाने हैं और जो बढ़ेंगे हमारे फंदे वो ग्रीन आएंगे। एक फंदा हमने सीधा बना लिया, फिर जाली बनाएंगे, ये हमारी तीसरी जाली है। तो इस तरह से हमें 16 जालियां बनाएंगे। देखिए जाली वाला फंदा, फिर जाली बनाई और एक आगे वाला बना, फिर क्रॉस करेंगे और धागा आगे लाएंगे और आगे वाले फंदों को हम उल्टा बना देंगे। देखिए इस तरह से आप यहाँ तक बना लीजिए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 जालियाँ बनाई हैं फ्रेंड मैंने, तो 10 जालियाँ बना लीजिए। फिर दो जालियों पे मैं आगे आपको
अंगूठे बनाना बताऊंगी। दो जाली हमने किस तरह से एडजस्ट करनी है, 10 जालियां बना लीजिए आप यहाँ तक। इसी तरह से ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे सेंटर में, और साइड वाले हमने 20 20 ही फंदे रखने हैं, 20 20। तो इतना बना लीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड देखिए, यहाँ तक मैंने 12 जालियाँ बना ली हैं। दो जालियाँ अब हम इसका आधा करके बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से, एक फंदा बनाया, जाली बनाई, तो हम 17 फंदे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फ्रेंड इसका आधा करेंगे, आधा इस साइड आधा इस साइड, और अब आधा पार्टी बनाएंगे इसका इस तरह से, ये देखिए। तो अब हम इन फंदों को ही बनाएंगे। दो जालियां हम, 14 जालियां बनेंगी हमारी, तो एक बन गई 13वीं जाली, और एक और बनाएंगे अब, उसके बाद कोई फंदा नहीं हम बढ़ाएंगे। इस तरह से सिलाई पूरी हम उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी साइड पे फिर बताऊंगी मैं आपको। ये मैं बना लेती हूँ पूरी उल्टी एक बार फिर से। फ्रेंड देखिए, ये मैंने 20 फंदे बना लिए। अब फिर से एक जाली और बनाएंगे हम यहाँ पे, एक बना लिया, एक जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर सभी फंदों को हम सीधा बना देंगे। यहाँ पे दो फंदे हमारे बढ़ गए दोनों सिलाइयों में एक एक। इसके बाद हम दोनों कलर से यहाँ पे उल्टा और इधर सीधा ही बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे यहाँ से। फिर हम यहाँ से पीछे मुड़ेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये पूरी उल्टी बनाएंगे इस तरह से, हमें 20 धारियां बनाएंगे। यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 धारियां बनाने तक हम इस तरह से बनाएंगे। पहले ए वाला पार्ट बनाएंगे, फिर ए वाला। तो ये मैं बना लेती हूँ पहले ए वाला पार्ट, फिर इसको बंद करना बताऊँगी। तो ये 20 धारियां मैं बना लेती हूँ जब तक। फ्रेंड देखिए, यहाँ तक बना लिया। अब 10 फंदे यहाँ से यहाँ तक मैं बंद कर दूंगी इनको। ये 39 फंदे हैं हमारे टोटल इस साइड, और उस साइड भी 39 है। 10 फंदे यहाँ से बंद करेंगे ग्रीन कलर वाले। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इस वाले धागे को यहीं पे छोड़ेंगे यहाँ से कट करके। अब दूसरी साइड में हम इसी तरह से बनाएंगे, 10 जाली तक हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद जो हमारी 4 जालियाँ बनी हैं उनमें हम आधा करके बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ दूसरे वाला पार्ट भी, फिर अंगूठे बनाना बताऊँगी और इसको बंद करना भी। अब ये देखिए ग्रीन कलर से हम ग्रीन कलर ही बंद करेंगे। एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से, एक आगे वाला बनाएंगे, और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। आगे वाला बनाएंगे, आगे वाला दूसरे कलर से बंद करेंगे। पहले ग्रीन वाला करेंगे, फिर जो जो इस तरह से सभी फंदों को यहाँ तक बंद कर देंगे। तो मैं बंद कर लेती हूँ, फिर आगे मैं सिलना बताऊँगी आपको। अब देखिए फ्रेंड, ये मैंने बंद कर लिया। अब यहाँ से सिलेंगे, उल्टी साइड से पकड़ेंगे इसको इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। देखिए बहुत इजी है सिलना।
अब देखिए अंगूठे सिल दिए मैंने, अब बैक पार्ट सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले कलर से ही सिलेंगे हम। एक फंदा इधर का, एक इधर का लेते हुए तो ये मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक किस तरह से बन के आई है। ये सिल लेती हूँ मैं। फ्रेंड देखिए इसका फाइनल लुक किस तरह से बन के आया है, आगे पंजा हमारा ग्रीन कलर का, बैक इस साइड। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।